दोस्तों अभी Amazon Pay Later में जो लिमिट है काफी हद तक कम मिल रही है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मात्र 2,000 रुपए की लिमिट मिल गई। क्यों इतना कम लिमिट मिल रहा है? आपके लिए लैंडिंग पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक है या कैपिटल फ्लोट है? आज आप इस वीडियो में लाइव प्रूफ देखेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेल आया हमारे व्यूवर्स का, मात्र इनको 2,000 रुपये की लिमिट मिली और ये काफ़ी दुखी हैं कि भाई 2,000 रुपये की लिमिट हम क्या करेंगे लेकर। इतनी कम लिमिट तो हमें जो है और पे लेटर में देखने को नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो है जो Amazon पे लेटर और Flipkart पे लेटर और इसके पहले का जैसे लेजी पे है, तो इसमें अलग अलग जो पे लेटर हैं इसके अलग अलग लैंडिंग पार्टनर भी हैं। बट यहाँ पे लेटर में शुरू शुरू में कैपिटल फ्लोट लैंडिंग पार्टनर था, इसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक भी जुड़ा, यहाँ पे करूर व्यासा बैंक भी आ चुका है। बट यहाँ पे जो पे लेटर की लिमिट है, अब Amazon में काफ़ी हद तक लोग ऐसे हैं जो पे लेटर का जो बिल पेमेंट है टाइम से नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो है लेट पेमेंट कर दे रहे हैं, सिविल ख़राब हो रहा है। इस वजह से कंपनी जो है कस्टमर का पूरा डिटेल ट्रैक करते हुए उन्हें लिमिट दे रही है। तो अब जो है Amazon पे लेटर अगर आपको चाहिए तो आपके पास आपका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपका सिविल स्कोर, आपका कोई भी ऐसा डिफॉल्ट न करना, टाइमली पे लेटर का रीपेमेंट किए हैं आप, तभी आपको पे लेटर का लिमिट हाई मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बेस्ट लैंडिंग पार्टनर आपको देखने को मिलेगा कैपिटल फ्लोट में। दोस्तों इतना अच्छा ये काम करती है कि मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये जो लैंडिंग पार्टनर है इसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। टिकट बुकिंग, इसके बाद EMI में कन्वर्ट करना, शॉपिंग, सारे काम A to Z आप Amazon पे लेटर से कर सकते हैं। जिसका लैंडिंग पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक है उन्हें काफ़ी हद तक दिक्कत झेलना पड़ रहा है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं मिल रहे हैं पे लेटर में, बाकी ये जो कैपिटल फ्लोट वाला पे लेटर जैसे लैंडिंग पार्टनर है ये काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग जो है हमारे पास मेल और कमेंट किए कि हम IDFC फर्स्ट बैंक से परेशान हैं, हमें कैपिटल फ्लोट वाला पे लेटर चाहिए। तो भैया आप चेंज नहीं कर सकते, आप जब अप्लाई कर रहे हो तो ये आपका सिविल, आपका रिकॉर्ड बेस पे देखते हुए ये लैंडिंग पार्टनर ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं। आप इसमें लैंडिंग पार्टनर को चूज नहीं कर सकते, बट ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि आप जैसे कस्टमर अपने हिसाब से जैसे कि उसे कौन सा लैंडिंग पार्टनर पसंद है वो चूज़ कर सके। ऐसा ऑप्शन अगर कंपनी चाहे तो ला सकती है, बट ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो काफ़ी थोड़ा से मुझे निगेटिव लगा। बाकी तो जिसका भी पे लेटर Amazon वाला है वो काफ़ी हद तक सर्विस अच्छा पा रहा है, और जिसका फ्लिपकार्ट है, लेजी पे है, इसके बाद मोबिक्विक जीप है, इसमें मल्टीपल अकाउंट बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों में नहीं बन रहे हैं। तो अगर आपको Amazon पे लेटर का लिमिट इंक्रीज करना है तो आपको दो काम करना है। टाइम से आपको रीपेमेंट करना है, आपका जो लिमिट है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कोई ऐसा गलती करते हैं तो आपका जो लिमिट है उसे इंक्रीज नहीं किया जाएगा, आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। तो आप बताना आपके लैंडिंग पार्टनर कौन से हैं कमेंट में बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।